अल्लाह ने फरमाया वो औरतें जिनके शौहर इंतकाल कर जाए, और ये पहले था, वो एक साल ठहरी रहे उस घर के अंदर, एक साल ठहरी रहे। दूसरी जगह सूरह बकरा में फरमाया वो औरतें जिनके शौहर इंतकाल कर जाए जो बाद में आया, 4 महीने 10 दिन ठहरी रहे। अब दोनों एक ही मसले पे बात करें, जिसका शौहर मर जाए वो औरत क्या करे, अब एक साल करे 4 महीने 10 दिन करे, बोलिए। आप बोलेंगे दोनों कर लेते, इलॉजिकल है, एक साल बोल के 4 महीने 10 दिन लाना कोई लॉजिकल नहीं था। सेकंड, दोनों लायक अमल होते तो अपन एक साल वाले पे अमल कर लेंगे, ठीक है। बाद में 4 महीने 10 दिन का क्यों लाया गया, पहले 4 महीने 10 दिन लाता अल्लाह ताला और बाद में एक साल बोलता तो 4 महीने 10 दिन उसमें इंक्लूड हो जाता था ऑटोमेटिकली। तो लॉजिक ये है कि दोनों आयतें एक ही मसले पर बात करी, एक साथ अमल करना मुहाल है, लिहाजा एक कोई ना कोई मनसूख होंगे। मनसूख कौन सी होंगी, जो पहले आई थी वो थी एक साल वाली, पहले हुक्म आया था एक साल औरत इद्दत गुजारेंगी, बाद में हुक्म आया 4 महीने 10 दिन, समझ गया। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।